मैं होम्योपैथ पेशेंट फायजा खुशनूर अपने चैनल डॉक्टर एफ के होम्योपैथ एडवाइजर सबने व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। आज की वीडियो फरमाइशी वीडियो है जिस पर मैंने काम किया। एक बहुत ही अहम इशू जिसका हम सब लोगों को बहुत सामना करना पड़ता है और मुश्किल या तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। आज की वीडियो एनस इशू से रिलेटेड है। एनस के तीनों इशूज़ की थोड़ी थोड़ी वजाहत करूँगी। फिशर्स, जब भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है तो उसे अमूमन इन तीनों ही मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला इशू फिशर का आता है। जब पेशेंट पखाना करने के लिए जोर लगाता है तो रेक्टम की स्किन फट जाती है और उससे खून निकलने लगता है। पेशेंट को बहुत दर्द होती है कि वो पखाना करने से डरता है और उसे चुभन और जलन होने लगती है। पाइल्स कॉन्स्टिपेशन से होने वाला दूसरा इशू है, जिसमें एनस में मुस्तकिल दबाव की वजह से पेशेंट की रेक्टल वेन्स में स्वेलिंग आ जाती है और खून की नालियां सूज कर लटक जाती हैं और पेशेंट को पाइल जैसी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। फिस्टूला, एनस की सराउंडिंग में एक एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है जिसे फिस्टूला या फिंसी कहा जाता है। इनेस के बाहर ये छोटी छोटी ओपनिंग्स या फिंसी जब बार बार बनती है और उसे इग्नोर कर दिया जाए तो ये एक नाली ट्यूनल ट्यूब की शक्ल में एनल ग्लैंड को मुतासिर करती है। एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो ये एक छोटी फिंसी होती है, मगर अंदर तक एक रास्ता बन चुका होता है जिसमें पीप भरी होती है। पेशेंट को दर्द होता है, पखाने के साथ खून आता है, खून के साथ पीप भी होती है, छोटी फिंसी से मॉइस्चर भी निकलता रहता है। पॉजेस, अनहाइजीन, सफाई का ख्याल ना रखना, हाइजीन का ख्याल ना रखना फिस्टूला की सबसे बड़ी मेन रीजन है, क्योंकि एनस बैक्टीरियल ग्रोथ का बहुत अच्छा स्पॉट और टारगेट होता है। पखाने से फारिग होने के बाद एनस की ठीक से सफाई ना करना। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, पखाना करने वक्त जोर लगाना और मुस्तकिल दबाव की वजह से भी पेशेंट को फिस्टूला का सामना करना पड़ सकता है। ओबेसिटी, मोटापा भी फिस्टूला की एक कॉज है। मॉइस्ट, ठंडी गीली जगह पर ज्यादा देर तक बैठे रहने वालों को भी फिस्टूला हो सकता है। इंजरी, एनस के पास किसी जख्म लगने या चोट लगने की सूरत में फिस्टूला के चांसेस होते हैं। खारिश, होने की सूरत में अगर पेशेंट नाखूनों को इस्तेमाल करे तो भी फिस्टूला बन सकता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जब आंतों में कोई इन्फेक्शन हो तो फिस्टूला हो सकता है। सिम्टम्स, वो अलामात जो पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं फिस्टूला बनने की सूरत में वो ये हैं। बॉयल, एनस की सराउंडिंग्स में इर्द गिर्द जब एबनॉर्मल ओपनिंग बॉयल या फिंसी बनती है जिसमें से नमी, खून और पीप का अखराज होता है। डिफिकल्टीज, पेशेंट को पखाना करते वक्त दर्द होती है, उसे बैठने में दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। पखाने के बाद दर्द और जलन रहती है। स्वेलिंग, एनस में स्वेलिंग और खुजली रहती है। फीवर, पेशेंट को सर्दी लगकर बुखार चढ़ता है और सुस्ती और कमजोरी का शिकार हो जाता है। होम्यो मेडिसिंस, अल्लाह बारी ताला ने हमें होम्योपैथी की सूरत में एक अजीम नेमत से नवाजा है। वो शिफा जो एलोपैथी में सर्जरी और बेशुमार अदविया खाने की सूरत में मिलती है, होम्योपैथी में वही शिफा दवाई का एक कतरा नवाज देता है। होम्यो अदविया को कुल्ली तौर पर और जज्वी तौर पर हम इस्तेमाल करके रिजल्ट ले सकते हैं। चलिए फिस्टूला की मेडिसिन देखते हैं। ट्यूबर वाले, फिस्टूला सिफिलाइटिक मियासा में आता है। सिफिलिस में जब किसी ऑर्गन में चेंज आता है तो पेशेंट को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। फिस्टूला के केस में आप सबसे पहले ट्यूबर वाले की एक डोज दें, उसके बाद सिम्टोमेटिकली मेडिसिन जो बनती है वो दें, पेशेंट ठीक हो जाता है। ट्यूबरकुलाइनम फिस्टूला टेंडेंसी और एट द एंड फिस्टूला प्रिवेंशन दोनों में काम करती है। बेल, सबसे पहली मेडिसिन जो फिस्टूला के इनिशियल स्टेज पर दी जाती है, जिसमें पस फॉर्मेशन फिस्टूला फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, एबनॉर्मल ओपनिंग या बॉयल सुर्ख होता है, इसमें पेशेंट को दर्द और जलन होती है, बुखार होता है, एनस में रेडनेस और हॉटनेस होती है, थ्रॉबिंग पेन्स होती हैं, तो बेलाडोना 200 वन ड्रॉप वन साडे जबरदस्त काम करती है। हिपरसल, सेकेंड स्टेज ऑफ फिस्टूला में हिपरसल इस्तेमाल कराई जाती है। जब पेशेंट को शदीद दर्द, फिस्टूला में सूजन और सख्ती हो,
सेंसिटिव टू टच हो के हाथ लगाना मुश्किल हो, कपड़ा लगे तो भी तकलीफ हो, पखाना करने के दौरान और पखाना करने के बाद रेक्टम में सिकुड़न का एहसास हो, फिंसी में पीप बन चुकी हो, तो पीपर सल्फ इस्तेमाल कराई जा सकती है। फिस्टुला के तकालीफ में जब सर्दी और रात को एग्रावेशन हो और पेशेंट को सर्दी के साथ बुखार होने लगे तो हिपर सल्फ जबरदस्त काम करती है। सिलेशिया 200 थर्ड स्टेज में जब फिस्टुला अल्सरेटिव स्टेज में चला जाता है, वाइल एबनॉर्मल ओपनिंग रेक्टल ग्लैंड को मुतासिर करके एक ट्यूनल बना लेते हैं जिसमें से बेशुमार बदबूदार खून मिलीपीड का इखराज होने लगे और एनस में स्वेलिंग भी हो, तो सिलेशिया पस को ख़त्म करने और जख्म को ठीक करने की अहलियत रखती है। कुछ और मेडिसन जो फिस्टुला में सिम्टोमेटिकली दी जा सकती है, अब उन पर बात करते हैं। नाइट्रिक एसिड, पेशेंट को पखाना करने के घंटों बाद भी एनस में दर्द और जलन हो, सर्दी और गर्मी दोनों से तकालीफ पड़े, पखाना करने के बाद मरीज को बहुत ज़्यादा कमजोरी का एहसास हो, एनस में शदीद काटने वाले दर्द हों, तो नाइट्रिक एसिड अच्छा काम करती है। बर्बरस वल्गैरिस, बर्बरस वल्गैरिस में शूटिंग पेन्स और स्टिचिंग पेन्स होती हैं, फैलती हुई दर्दें होती हैं। इसमें अचानक का अलामत का अचानक तबादला अल्टरनेशन होती है, जिस तरह कभी भूख का बहुत ज़्यादा लगना और कभी बिल्कुल ना लगना, कभी बहुत ज़्यादा प्यास और कभी बहुत बिल्कुल प्यास ना लगना, पेनफुल यूरिनेशन होता है, पखाना करने की मुस्तकिल ख्वाहिश होती है, औरतों में वल्वा और एनस के दरमियान दर्द, ख़ारिश और जलन, जबकि मर्दों में सिक्रोटम और एनस के दरमियान दर्द और जलन, जिसकी एग्रेवेशन शाम को एक ही जगह खड़े रहने से और एक्सरसाइज करने से होती है। इसमें बर्बरस बहुत अच्छा काम करती है। बर्बरस वल्गैरिस शिगाफ को पूरा करने के लिए, बाल जब ठीक हो जाता है उस जख्म को हील अप करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। कॉस्टिकम, पल्सेटिंग पेन्स के साथ जब पेशेंट को फिस्टूला के साथ साथ पाइल्स का भी इशू हो, मौके बड़े सख्त और सूजे हुए हों, पेशेंट के लिए पखाना बैठ कर करना पॉसिबल ही ना रहे, बल्कि वो पखाना करने के लिए खड़े होने के पोस्चर को तरजीह दे, जिसमें पखाने के साथ पास खून म्यूकस चमकदार मिला हो, तो कॉस्टिकम जबरदस्त रिजल्ट देती है। कल्केरिया सल्फ, बायोकेमिकल मेडिसन, जब फिस्टूला से गाढ़ा जर्द खून मिला मवाद खारिज हो तो कल्केरिया सल्फ जबरदस्त काम करती है। कल्केरिया फॉस, फिस्टुला से जब पीप और खून का इखराज हो, एनस में गर्मी और जलन का एहसास हो, पेनलेस फिस्टुला हो और जिसके साथ साथ ये लीडिंग सिम्टम भी मौजूद हो, एनल फिस्टुला अल्टरनेट्स विद चेस्ट कॉम्प्लेंट्स, तो कल्केरिया फॉस बेहतरीन रिजल्ट्स देती है। लैकेसिस 200, पखाना जब सख्त बदबूदार हो, एनस में हैमरिंग पेन्स, हथौड़ा लगने, हथौड़ा मारने की सी दर्दें मौजूद हों और मगज में टाइटनेस का एहसास भी हो, तो लैकेसिस अच्छा काम करती है। ग्रेफाइट्स, जब फिस्टुला से चिपचिपा शहद जैसा मवाद खारिज हो तो ग्रेफाइट्स रिजल्ट देती है। थूचा, अराउंड द एनस जब बदबूदार पसीना हो, दर्द, जलन, दुखन जो सारा दिन रहती हो, एनस के इर्द गिर्द स्टिचिंग पेन, सुइयां चुभने की सी दर्द हो, तो थूजा दी जा सकती है। हाइड्रास्टिस टिंक्चर, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के केसेस में जब पेशेंट को कई कई दिन पखाने के बगैर गुजर जाए और पेशेंट को जब पखाना आए, पखाना करते वक्त उसमें बहुत शदीद दर्द हो और पखाने के बाद भी दर्द हो, रेक्टम और मकद के गिर्द दबाने वाली और जलनदार दर्दें हों, जिसके साथ साथ प्रोलैप्स ऑफ एनस भी देखने को मिले, सिंकिंग फीलिंग इन स्टमक विद डल हेडेक, इन अलामत के साथ हाइड्रास्टिस जबरदस्त रिजल्ट देती है। मायरिस्टिका, गोल्डन मेडिसन ऑफ द फिस्टुला, ये होमियो की एंटीसेप्टिक मेडिसन है जो कि पस फॉर्मेशन को रोकती है, पीप को खुश करने में मदद देती है और पेशेंट को सर्जरी से बचाती है। स्टीम बाथ के लिए कुछ मेडिसन मदर टिंचर्स की मदद से पेशेंट को स्टीम बाथ दिया जाता है, जिसकी वजह से फिस्टुला की सफाई होती है और उसमें पस बनने का जो अमल है उसको रोकती है और हाइजीन का ख्याल रखती है और पेशेंट को हील अप होने में मदद देती है। नीम गर्म पानी में आप 15 कतरे मायरिस्टिका टिंचर, कैलेंडुला टिंचर, बर्बरस वल्गैरिस टिंचर के डालें और पेशेंट को स्टीम बाथ लेने का कहें। इसमें स्टीम बाथ के लेने से पेशेंट बहुत जल्दी हील अप हो जाता है। बंडल ऑफ थैंक्स, आपने मेरी वीडियो देखी सुनी,
उम्मीद करती हूँ कि पिछली वीडियोस की तरह आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए दुनिया और आखिरत की आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।